प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी थन्ना मंडी शकील अहमद मीर ने काउंसिलर के साथ विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया ताकि फसलों के नुकसान, फलों का नुकसान के आंकलन किया जा सके। कई घर ढह गए, पीएचई के स्रोत क्षतिग्रस्त हो गए। शनिवार को आई बाढ़ के कारण यह नुकसान हुआ है। प्रेसिडेंट एमसी थन्ना मंडी ने विशेष रूप से जिला प्रशासन राजौरी और जम्मू और कश्मीर के एलजी से आग्रह किया कि विभिन्न विभागों की सार्वजनिक टीमों के नुकसान का आंकलन किया जाए। जी, आज अचानक परसों की बात है, परसों 4 बजे यहाँ बादल फटे, पीछे कहीं मंगोटे की तरफ इस कदर फ्लड आया। मेरी भी इस वक्त 74 साल उम्र है, इतना पानी इस दरिया में कभी नहीं आया जितना आज मैंने देखा है। उसकी वजह से ज़मीन का कटाव हुआ और ज़मीन के आगे जो कूलें पीछे जो हैं वो बिल्कुल मिसमार हो गई, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, डैमेज हो गई कूलें। और उनकी वजह से जो इतना भी आगे 10-12 एकड़ कनाल एकड़ जो ज़मीन थी वो इस वक्त खुशक पड़ी हुई है। यहाँ कोई मैनेजमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ कोई ना देखने के लिए आया, मुआवजे की तो बात नहीं। यहाँ हमारी कोई पुरसाने हाल भी नहीं है यहाँ, तो कोई देखे तो सही क्या ये क्या इस वक्त क्या हो रहा है। और इस वक्त ये हाल है कि हमने इस वक्त अपने मजदूर जो है पड़ोस पड़ोस के इधर हल्ला गुलवा बोलकर आवाज़ लगाकर इनको तरस आया बेचारों को, इन्होंने हमारी ज़मीनें देखी, ये आए हमें मदद के तौर पर, लेकिन महकमे की तरफ से, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तरफ से कोई बंदा इस वक्त तक हमारे यहाँ पहुँचा नहीं है जो कम से कम ये तो देखे कि हम यहाँ नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। इस वक्त ज़मीनों का क्या हाल है, अभी शाली लगाए हुए अभी 15 दिन नहीं हुए, 22 दिन के बाद हम इसको ताली करते हैं और पूरी ज़मीन सूखी पड़ी हुई है, यहाँ पूरी ज़मीन फटी हुई है, सूखी पड़ी हुई है। आज 5वां दिन है, कोई पानी नहीं, 4th दिन कोई पानी नहीं, और जिसकी वजह से हम परेशान हाल हैं। और मजदूर लाने के बावजूद भी हमें उम्मीद नहीं कि हम 10 दिन भी अगर काम करेंगे यहाँ ये पानी चढ़ सकेगा या नहीं। तो बस इसलिए हम आपकी मीडिया की वसादत से गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि कम हमें तो पूछा जाए, हमारा हाल पर, हमारी दुखती रग पर तो हाथ रखा जाए, मुआवजा देना तो दरकिनार, हमें पूछा तो जाए कि आपका, आप किस जगह में बस रहे, क्या हुआ है। पहले यहाँ जो बारिश यहाँ हुई है वो इतनी तेज़ बारिश हुई कि वो एक बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर गई। उसके बाद यहाँ पर जो मक्की थी हमारे इलाके में, साल में एक ही फसल हमारे इलाके में होती है, वो मक्की टोटली ख़त्म हो गई। उसके बाद जो लोगों ने मेहनत करके फ्रूट जो दरख्त अपने लगाए थे, वो फ्रूट जो है 100% जो फ्रूट हमारा जो है वो डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद लोगों के, काफ़ी लोगों के मकानों को नुकसान पहुँचा है, मकान लोगों के बह गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ज़मीनें जो हैं, वहाँ जितने क्रेट पड़े हुए थे वो क्रेट सारे बह गए हैं, और लोगों की ज़मीनें जो हैं, काफ़ी ज़मीनों को उसका नुकसान हुआ है। उसके बाद यहाँ पर टोन में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जितना ड्रेनेज सिस्टम था वो सारा ब्लॉक हो गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, पीएचई की अगर बात करें हम, तो पीएचई की हमारी पाइपें जितनी पीछे से लाइनें आ रही थी, सोर्स जो थे वो सोर्स सारे वो डैमेज हो गए हैं वहाँ पर। तो इरीगेशन की कूलों के जो हेड थे वो हेड जो है वो टोटली ख़त्म हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने इस बारे में डीसी साहब भी बात की है कि भाई यहाँ पर ये हालात हुए हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट इंतजामिया से और डीसी साहब से खसूस ये गुजारिश करूँगा कि वो महकमा हार्टिकल्चर, महकमा एग्रीकल्चर, महकमा फ्लड कंट्रोल इरीगेशन, उसके बाद पीएचई के जो भी हमारे यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं उनको यहाँ इलाके में भेजें, यहाँ इलाके में पूरा वो दौरा करें और जहाँ जहाँ जो नुकसान हुआ है लोगों का उसको, उसकी असेसमेंट करें, और असेसमेंट करके मैं गौरव निज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि लोगों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। एक तरफ यहाँ कोरोना की महामारी जो चल रही है और हर आदमी बेकार अपने घर में बैठा है, जो लेबर तबके के लोग हैं, जो रेडी वाले लोग हैं, जिस किस्म के जितने लोग हैं, सारे लोग बेकार घर में बैठे हुए हैं। एक फसल थी जिस पर लोगों ने मेहनत की थी घर बैठ के, कि चलो हमें वो भी, उससे भी आज लोग महरूम हो चुके हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो फौरी टीम भेजे ताकि इसकी असेसमेंट हो के और लोगों को उसका मुआवजा मिल सके।